हे गाइस, तो आज की स्टोरी में बात करने वाले चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। इसमें हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अच्छे से समझना है, बट उससे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज मतलब कि O2 एंड CO2 गैस का एक्सचेंज एनिमल्स की बॉडी के अंदर कैसे हो पाता है, हमें बताया कैसे हो पाता है दो मेथड से। या तो अगर एनिमल्स की बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनिमल्स के अंदर होगा। अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट है तो उसकी जगह अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा एनिमल्स की बॉडी के अंदर। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के मेथड के हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा उन एनिमल्स की बॉडी के अंदर जिनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है। और उन एनिमल्स की एग्जांपल है हमारे पास सीडेंट्रेट्स, स्पॉन्जेस, फ्लैटवर्म्स एंड अर्थवर्म्स। इन सब एनिमल्स की बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, हैंस उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सीडेंट्रेट्स के अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर, फ्लैटवर्म्स के अंदर एंड अर्थवर्म्स के अंदर सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि रेस्पिरेशन होता है। बट ये सिंपल डिफ्यूजन है क्या, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। सिंपल डिफ्यूजन इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें एक्सचेंज कैसा होता है गैसेस का, एक्सचेंज सिंपली बॉडी की सरफेस के ऊपर से हो पाता है। सिंपल बॉडी की सरफेस के हेल्प से सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है, मतलब कि गैसेस डिफ्यूज़ करती है इन एनिमल्स की बॉडी की सरफेस के ऊपर डिफ्यूज़ करती है। और इस तरीके से सिंपली किसी ऑर्गन की जरूरत नहीं, सिर्फ बॉडी सरफेस की हेल्प से डिफ्यूजन हो जाता है, मतलब कि गैसेस एक्सचेंज हो जाती है सीलेंट्रेट्स, स्पॉन्जेस, फ्लैटवर्म्स एंड अर्थवर्म्स के अंदर। और इन केस ऑफ इंसेक्ट्स और अर्थवर्म्स की अगर हम बात करें, इंसेक्ट्स एंड अर्थवर्म्स की अगर हम बात करें, देयर बॉडी सरफेस आउटर स्किन जो होती है इंसेक्ट्स और अर्थवर्म के केस में, उनकी जो आउटर स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट होती है इनकी आउटर स्किन, ठीक है, इनकी आउटर स्किन इज मॉइस्ट। अब हमने अर्थवर्म्स का केस में रेस्पिरेशन कैसी होती है ये तो हमने समझ लिया विद हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अर्थवर्म्स, फ्लैटवर्म्स, सीलेंट्रेट्स और स्पॉन्जेस के केस में सिंपल डिफ्यूजन होती है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। इंसेक्ट्स के केस में रेस्पिरेशन कैसे होती है ये, सो इंसेक्ट्स की बॉडी की सरफेस के ऊपर कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इन ओपनिंग्स को जो कि इंसेक्ट्स की बॉडी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि इंसेक्ट्स के अंदर रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी, दैट ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज स्पायरेकल्स। जिनके अंदर इन ओपनिंग्स के थ्रू इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर जो कि इंसेक्ट्स की बॉडी की सरफेस के ऊपर ओपनिंग्स है, इस ओपनिंग्स के थ्रू एयर विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स। अब इसमें आगे क्या होगा, स्पायरेकल जो है इट ओपन्स इनटू थ्रू विच एयर एंटर्स इन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट एंड दिस स्पायरेकल्स ओपन्स इनटू एयर पाइप्स। एंड इन एयर पाइप्स को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। सो ये ओपनिंग्स विल ओपन इनटू एयर पाइप्स कॉल्ड एज ट्रैकिया। देन एयर पाइप जो है इसके बाद फिर क्या आ जाता है, दिस एयर पाइप विल ओपन इनटू ट्रैकियोल, जो कि और थिन होगा इसके कंपैरिजन में, ट्रैकियोल, ठीक है। एंड दिस ट्रैकियोल विल हेल्प इन रीचिंग डायरेक्टली इनटू द विल हेल्प द एयर इन रीचिंग डायरेक्टली इनटू द टिश्यू, डायरेक्टली इनटू द टिश्यू। दिस ट्रैकियोल विल हेल्प द एयर इन रीचिंग द टिश्यू डायरेक्टली, वो भी डायरेक्टली, ओके। सो सबसे पहले ओपनिंग दैट इज स्पायरिकल, देन ट्रैकिया दैट इज एयर पाइप, देन दिस ओपन इनटू अ स्मॉल ट्रैकियोल, थिन ट्रैकियोल विच हेल्प्स डायरेक्ट कनेक्शन, विच डायरेक्टली हेल्प्स, विच हेल्प्स द एयर इन रीचिंग डायरेक्टली द टिश्यूज, इनटू द टिश्यूज। सच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ट्रैकियल रेस्पिरेशन। सो इंसेक्ट्स के केस में आपको कैसी रेस्पिरेशन दिखती है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। इंसेक्ट्स के केस में ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन में एग्जांपल देनी हो तो इंसेक्ट्स ही दे सकते हैं। ये थे हमारी पहले टाइप की रेस्पिरेशन। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, जरूरी नहीं सब में ओपनिंग्स, ओपनिंग्स इंसेक्ट्स में दिख जाएगी आपको, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में आपको लंग्स दिख जाएंगे, लंग्स और गिल्स प्रेजेंट होंगे एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इन मेनी ऑर्गेनिजम्स लंग्स एंड गिल्स आर प्रेजेंट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इनकी भी बात कर लेते हैं, ऐसी रेस्पिरेशन जो कि गिल्स की हेल्प से होती है, गिल्स की हेल्प से जो रेस्पिरेशन होती है, दैट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ब्रांचियल रेस्पिरेशन। एंड ब्रांचियल रेस्पिरेशन मतलब कि ऐसी रेस्पिरेशन जो कि गिल्स की हेल्प से होती है, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ गिल्स, ऐसी रेस्पिरेशन आपको मिल जाएगी पाइसिस के अंदर। पाइसिस, दीज आर नॉट ट्रू फिशेज, ट्रू फिशेज नहीं होती, फिशेज ऐसी होती है, एंड इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से रेस्पिरेशन होती है, एंड सच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ब्रांचियल रेस्पिरेशन। दिस वॉज द सेकंड काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। थर्ड काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो कि हमारे अंदर भी मिल जाती है ह्यूमंस के अंदर, मतलब कि मैमल्स के अंदर यू विल फाइंड, मैमल्स के अंदर एंड बर्ड्स के अंदर यू विल फाइंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, मतलब कि पल्मोनरी वर्ड लंग्स के रिलेटेड होता है। तो लंग्स, जिन ऑर्गेनिजम्स में आपको लंग्स मिलेंगे, जिन एनिमल्स के अंदर लंग्स आर प्रेजेंट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिन एनिमल्स के अंदर लंग्स प्रेजेंट आर, द लंग्स आर प्रेजेंट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन विच विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ह्यूमंस के केस में, ओवरऑल सारे मैमल्स के केस में एंड बर्ड्स के केस में लंग्स आर प्रेजेंट फॉर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। दीज आर द थ्री काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। हमने तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स की बात करनी है इस चैप्टर के अंदर, बट आगे बढ़ने से पहले हमें इंसेक्ट्स का भी क्लियर है कि इनमें स्पायरिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये ट्रैकियल रेस्पिरेशन शो करते हैं। पाइसिस का भी क्लियर हो गया कि ये इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं और ब्रांचियल रेस्पिरेशन शो करते हैं। मैमल्स और बर्ड्स का तो हमें ऑलरेडी क्लियर था कि इनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं और ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन शो करते हैं। बट वट अबाउट फ्रॉग्स,
फ्रॉग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है और कौन सी रेस्पिरेशन शो करते हैं ये, इसके लिए मैं आपको बता दूँ, इनकी अडल्ट स्टेज में, इन देयर अडल्ट स्टेज लंग्स आर प्रेजेंट, इनके अडल्ट स्टेज में लंग्स प्रेजेंट होते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन, अडल्ट स्टेज में इनके पास लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और इनकी वैसे स्किन भी हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, स्किन भी इनकी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और इनके लार्वा स्टेज की बात करें, लार्वल स्टेज या फिर लार्वा स्टेज की बात करें, तो उसमें तो लंग्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि लंग्स तो एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। लार्वा स्टेज में क्या होता है फॉर रेस्पिरेशन, लार्वा स्टेज में रेस्पिरेशन के लिए इनके अंदर गिल्स आर प्रेजेंट, जिनको गिल्स आर प्रेजेंट जिनको वेट रखा जाता है, विच आर केप्ट वेट, गिल्स आर प्रेजेंट विच आर केप्ट वेट इन केस ऑफ फ्रॉग्स इन द लार्वा स्टेज। एडल्ट स्टेज में लंग्स प्रेजेंट है, मतलब एडल्ट स्टेज में ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन शो करते हैं, और लार्वा स्टेज में ये ब्रांचियल रेस्पिरेशन शो करते हैं, क्योंकि एडल्ट स्टेज में लंग्स प्रेजेंट होते हैं और लार्वा स्टेज में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और अदरवाइज इनकी स्किन भी जो होती है वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो फ्रॉग्स की इसलिए इनमें से किसी में भी मैंने पर्टिकुलर बात आपको नहीं बताई, अलग से पर्टिकुलर इनकी बात बताई। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे इस चैप्टर में, मेनली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, पूरे रेस्पिरेटरी ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। इस चैप्टर में हमने बात करनी है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, जो कि क्या है ह्यूमंस के अंदर, जो कि क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्या है लंग्स, ठीक है। तो हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे, ओके लंग्स की बात करेंगे। हमारी बॉडी में ह्यूमंस में वी हैव वन पेयर ऑफ लंग्स, वी ऑल नो अबाउट दिस, वन पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस बॉडी, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे थोरैसिक कैविटी में। नॉर्मली अगर बोलना हो तो थोरैसिक कैविटी, मगर अच्छे से समझेंगे कहाँ पर प्रेजेंट है थोरैसिक कैविटी, दे आर प्रेजेंट इन अवर थोरैसिक कैविटी। सो लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी, मतलब कि हमारी नेक के जस्ट बिलो प्रेजेंट है, चेस्ट रीजन के अंदर एंड जस्ट अबव द एब्डोमेन, एब्डोमेन के जस्ट अबव है, नेक के जस्ट बिलो है, एंड चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है लंग्स। सो लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी, दे आर प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन जस्ट बिलो द नेक एंड अबव द स्टमक, एंड ये कौन सी साइड में, मतलब हमारी बॉडी के आगे वाली साइड में या फिर पीछे वाली साइड में प्रेजेंट है, डॉर्सल या फिर वेंट्रल, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। मैं लंग्स की नहीं बात कर रही, मैं बैकबोन की बात कर रही हूँ, एक्चुअली हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, हम सबको बात पता है कि वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन की बात करें तो दैट इज प्रेजेंट इन द डॉर्सल साइड, पीछे वाली साइड प्रेजेंट है डॉर्सल साइड में बैकबोन। वैसे ही बाकी चीज़ों की भी बात करते हैं, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी के अंदर ही ये सब चीज़ें, पीछे वाली साइड बैकबोन, आगे वाली साइड फ्रंट साइड में वर्टिब्रल साइड में, आगे वाली साइड में क्या प्रेजेंट है, चेस्ट बोन, मतलब कि स्टर्नम, चेस्ट बोन मतलब कि स्टर्नम इज प्रेजेंट द फ्रंट साइड, बैकबोन, बैक नाम में ही बैक है, बैक साइड में प्रेजेंट है डॉर्सल साइड में पीछे, और थोरैसिक कैविटी के लेटरल साइड, मतलब कि ये फ्रंट बैक है ना, और इसके इधर और इधर, मतलब कि लेफ्ट और राइट साइड में, आपका जो भी हो ये लेफ्ट है राइट, लेफ्ट और राइट साइड में जो चीज़ प्रेजेंट है, मतलब कि लेटरल साइड में जो चीज़ प्रेजेंट है वो क्या है, थोरैसिक कैविटी के लेटरल साइड में क्या क्या प्रेजेंट है, और थोरैसिक कैविटी के लोअर रीजन, मतलब कि नीचे, मतलब एब्डोमेन के नीचे, बिलो द एब्डोमेन, मतलब कि लंग्स से तो बहुत नीचे, क्या चीज़ प्रेजेंट है, ऐसे डोम शेप्ड कुछ चीज़ प्रेजेंट है, ऐसी डोम शेप चीज़ प्रेजेंट है जो कि ऐसे ऐसे कंट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है, दैट इज डायफ्राम, डायफ्राम इज प्रेजेंट इन द लोअर रीजन एंड बिलो द एब्डोमेन, लोअर रीजन में। ये सब चीज़ें मैं थोरैसिक कैविटी के कंपैरिजन में बता रही हूँ, थोरैसिक कैविटी के डॉर्सल साइड में बैकबोन, फ्रंट साइड में स्टर्नम चेस्ट बोन, लेटरल साइड में रिब्स, एंड नीचे डायफ्राम, नीचे डायफ्राम मतलब कि डोम शेप डायफ्राम। अब बात करते हैं लंग्स की, जो कि चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है, जो फ्रंट साइड में हमारी चेस्ट बोन प्रेजेंट है, उस चेस्ट वाले रीजन में लंग्स प्रेजेंट है, जो कि एब्डोमेन से ऊपर है और नेक से नीचे है। सो हमारे पास लंग्स के एक पेयर है, हमारी बॉडी में लंग्स का एक पेयर होता है। अब ये जो हम डायग्राम देखेंगे, हम सामने हमारे जो राइट दिखेगा, जैसे आप कॉपी पे देखोगे, कॉपी पे बनाओगे, तो आपको सामने राइट जो दिखेगा, राइट को आपको लेफ्ट मानना पड़ेगा, और जो लेफ्ट दिखेगा उसे आपको राइट मानना पड़ेगा। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो ऐसे ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर में आप अगर डायग्राम्स देख रहे हो ह्यूमन ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स की, अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो लेफ्ट साइड को आपको राइट साइड मानना पड़ेगा और राइट साइड को लेफ्ट साइड। तो जो हमारा लेफ्ट लंग है वो राइट लंग के कंपैरिजन में स्लाइटली वो स्मॉलर है, सामने देख सकते हो, थोड़ा साइज में छोटा लग रहा है वो, और है भी, ठीक है। और दोनों लंग्स में जो कॉमन चीज़ है दैट इज़ नैरो टिप है, एक ऊपर वाला पार्ट इज़ नैरो, नीचे वाला पार्ट इज़ ब्रॉडर, ऊपर वाला पार्ट इज़ नैरो, नीचे वाला पार्ट इज़ ब्रॉडर। तो नैरो टिप इज़ कॉल्ड एज़, नैरो टिप ऑफ लंग इज़ कॉल्ड एज एपेक्स, एपेक्स, एंड ब्रॉड टिप ऑफ लंग इज़ कॉल्ड एज, ब्रॉड बेस ऑफ लंग इज़ कॉल्ड एज बेस, ब्रॉड बेस ऑफ लंग इज कॉल्ड एज बेस, बेस ही है लंग की और उस ब्रॉड हिस्से को बेस कहते हैं, ठीक है। नीचे वाला जो ब्रॉड हिस्सा है लंग का दैट इज कॉल्ड एज बेस। देन नेक्स्ट पॉइंट ये है जाता है कि नीचे, उसके नीचे बेस पे, बेस के साथ ही हमारा डोम शेप्ड डायफ्राम लोकेटेड है, जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज द डायफ्राम, मैं ये रब कर रही हूँ क्योंकि मेरे को और भी जगह चाहिए लिखने के लिए।
और आप देख सकते हो प्राइमरी ब्रोंकाई की जो ब्रांचेज है, जो ब्रांचेज है वो लंग्स में, दोनों लंग्स में एंटर कर रही हैं. प्राइमरी ब्रोंकाई मतलब कि विंड पाइप, प्राइमरी ब्रोंकाई मतलब कि विंड पाइप की जो ब्रांचेज है वो लंग्स के अंदर एंटर कर रही है, मतलब कि एयर यहाँ से आएगी और जाएगी. ठीक है, एयर यहाँ से आएगी और जाएगी, दोनों लेफ्ट और राइट लंग में आ रही है. एंड इन बोथ लंग्स, इन द बेसिस ऑफ बोथ लंग्स, दोनों लंग्स की बेसिस को देखोगे तो हाँ, इनके बीच में जो स्पेस है, ये और ये दोनों लंग्स के जो बेस के बीच में जो स्पेस है, इसे कहते हैं मेडियस्पिनल स्पेस. द स्पेस बिटवीन बेसिस ऑफ बोथ द लंग्स इज कॉल्ड एज मेडियस्पिनल स्पेस, विच इज लोकेटेड इन दिस स्पेस, इन द मेडियस्पिनल स्पेस द हार्ट इज लोकेटेड. इसी स्पेस के अंदर हार्ट लोकेटेड है. थोड़ा लेफ्ट लंग की तरफ टिल्टेड होता है हमारा हार्ट. सो मेडियस्पिनल स्पेस के अंदर हमारा हार्ट इज लोकेटेड. एंड जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग मतलब कि ये वाला लेफ्ट लंग इज पार्टीशनड इनटू टू चेंबर्स. लेफ्ट लंग इज पार्टीशनड इनटू टू चेंबर्स ओनली बाय सिंगल डिवाइडिंग वॉल. टू चेंबर्स में लेफ्ट लंग डिवाइडेड है सिंगल डिवाइडिंग वॉल से, और दो हिस्सों में डिवाइडेड है. वन इज लेफ्ट सुपीरियर लंग, सॉरी लेफ्ट सुपीरियर चेंबर एंड लेफ्ट इन्फीरियर चेंबर. लेफ्ट सुपीरियर चेंबर एंड लेफ्ट इन्फीरियर चेंबर. ठीक है, लेफ्ट सुपीरियर चेंबर एंड लेफ्ट इन्फीरियर चेंबर, दो चेंबर्स में, दो हिस्सों में बटा हुआ है लेफ्ट लंग. इसके अलावा राइट लंग जो है, इट इज़ ऑल्सो, ये ना इंटरनली चेंबर है, इंटरनली बाहर से नहीं अंदर से. एंड जो राइट लंग है, इट इज़ ऑल्सो पार्टीशन इंटू थ्री चेंबर्स. इंटरनली इट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री चेंबर्स, राइट सुपीरियर चेंबर, राइट इन्फीरियर. बिल्कुल वैसे ही तीन हिस्सों में, मगर तीन चेंबर्स में बटा हुआ है हमारा राइट लंग. राइट सुपीरियर चेंबर, राइट मिडल चेंबर, राइट इन्फीरियर चेंबर. राइट सुपीरियर चेंबर, राइट मिडल चेंबर, राइट इन्फीरियर चेंबर. चेंबर एक बारी पूरा लिख देती हूँ, सबका नहीं लिखूंगी क्योंकि सबका सेम है. राइट सुपीरियर चेंबर, राइट इन्फीरियर चेंबर, राइट मिडल चेंबर, राइट इन्फीरियर चेंबर. ठीक है, एंड मेडिस्टिनल स्पेस में हार्ट इज प्रेजेंट इन द मेडिस्टिनल स्पेस में. हार्ट इज प्रेजेंट में जान सोच के शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्योंकि इतना बड़ा लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास. और इसके अलावा प्लूरल लेयर्स, ये सब किसके अंदर रह जाते हैं मैं बताती हूँ आपको. जो लंग्स की लेयर्स है, लंग्स की जो आउटर कवरिंग है, और दोनों के दोनों लंग्स जिन लेयर से, आउटसाइड से, बाहर से, दोनों के दोनों लंग्स जिस लेयर से कवर्ड है, उस आउटर कवरिंग को, उस लेयर को हम कहते हैं, दो लेयर से कवर्ड है, दो लेयर से, एक बाहर वाली आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पैरिटल प्लीयरा. और ये दोनों लंग्स की बात कर रही हूँ, दोनों लंग्स में सेम केस है. और इनर लेयर, ये इनर कवरिंग इज कॉल्ड एज विसरल प्लीयरा. और दोनों आउटर और इनर कवरिंग के बीच में जो कैविटी दिख रही है आपको, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज प्लीयरल कैविटी. और इन दोनों लेयर्स, पैरिटल और विसरल प्लीयरा को इकट्ठे हम कहते हैं कलेक्टिवली, दिस बोथ आउटर एंड इनर कवरिंग ऑफ लंग्स आर कॉल्ड एज प्लीयरल लेयर्स. बोथ दिस कवरिंग्स आर कॉल्ड एज प्लीयरल लेयर्स. इसके अलावा इस प्लीयरल कैविटी के अंदर जो है, इस प्लीयरल कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल्ड है. इट इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड. द स्पेस बिटवीन दीज टू लेयर्स, दैट इज द कैविटी, प्लीयरल कैविटी. इट इज़ फिल्ड विद प्लीयरल फ्लूइड. दिस प्लीयरल कैविटी इज फिल्ड विद प्लीयरल फ्लूइड. ये खाली नहीं है, ये फ्लूइड से भरी हुई है. इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड. क्यों क्या फ़ायदा है इस प्लूरल फ्लूइड का, क्या फ़ायदा है इसका? बेनिफिट ये है कि जर्क्स को अब्जॉर्ब कर लेता है ये. प्लूरल फ्लूइड अब्जॉर्ब्स द इम्पैक्ट ऑफ जर्क्स एंड शॉक, एंड देयर फोर दिस प्लूरल फ्लूइड फिल्ड इन द प्लूरल कैविटी प्रिवेंट्स द लंग्स फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ जर्क्स एंड शॉक्स. सिंपल बात. अब हम जानते हैं, मैं तो ये सब बात थी लंग्स की, बस इतनी बात थी लंग्स की. अब हम मैकेनिज्म देखते हैं ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे चलता है, कैसे सारा कामकाज.